welcome to the drama company Super Nights. क्या बात है, आज पुरानी यादें पूरी ताजा हो गई हैं। मतलब मुझे एकदम भेजा वो हो रहा है, डेजा वो होता है। नहीं, अर्चना जी को देख के भेजा वो ही होता है, डेजा वो नहीं। नहीं मतलब मैं क्या बोलूं, मैं सोहेल भाई, अरबाज भाई, मैं अरे क्या हो गया, स्टार्टेड ऑलरेडी। अरे कृष्णा, अरे यार, अरे एक ही एपिसोड के लिए आए, चले जाएंगे पक्का। अच्छा ठीक, फिर ठीक। हमने खास तौर पे अर्चना जी आपको बहुत मिस किया, इतना मिस किया कि यहाँ पे जो हमारे मिथुन दा है ना, वो कहते कॉमेडी करो तो हंसेंगे। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अर्चना जी बहुत सारे शोज पे नहीं जाती हैं, अगर वो यहाँ पर आई हैं तो ये लालच सच्चा प्यार होता है। सही पकड़ा, सही पकड़ा। सच्चे प्यार की वजह से आई हैं, तो कॉमेडी सर्कस की पूरी फैमिली के लिए जोरदार तालियां हो जाए। I am going to enjoy myself and I hope the audience enjoys it too. I love you as always and will continue to love you forever till I die. 9 points. काश मेरे पास नंबर होते। कॉमेडियंस का बाप जॉनी लिवर है, कॉमेडी शोज का बाप कॉमेडी सर्कस है। हर बार जब आप स्टेज पे आते हो, आप सिर्फ एक चीज करने आते हो, एंटरटेन एंटरटेन और एंटरटेन। अरे एक मिनट, ये क्या है भाई? हाँ, कॉमेडी सर्कस की फैमिली मेरे बिना पूरी नहीं हो सकती। ये अभी तक जिंदा है? मैं जिंदा हूँ। ऐसे कैसे? साइंस खुद कहती है कि 150 साल के ऊपर आदमी जीवित नहीं रह सकता। मैं तुम्हें 150 साल की लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे पता है अर्चना जी से 2 साल ही छोटी हैं। मुझे तो लगा था चवन्नी बंद होगी तो ये भी बंद हो जाएगी। सोहेल भाई जी, आपने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार कोई नहीं कर सकता, ये मैं नहीं हर लड़की कहती। मरवाएगा तू। अच्छा एक मिनट, ये पहन ले, और वो स्टील वाला का है। घर पे काम आएगा बाद में। मैं कब से चाहता था बंदे के फोटो पे हार लगे। अभी सब लोग आए हैं तो आराधना तो होनी चाहिए ना। चलो हम चलते हैं। धन्यवाद। आरती, आपको कैसा लग रहा है ये रीयूनियन पर? जैसा मैं पहले इंसल्ट फील करती थी और हंसती थी, आज भी वैसा ही करूंगी। और सुहेल, आप मुझे बताइए, आप कितनी रातें कॉमेडी सर्कस के बारे में सोच सोच कर रोए हैं? सही बात है, इट वॉज हंसी हंसी पैसे बनाते थे यार। जब कॉमेडी सर्विस बंद हुआ ना, तो 2-3 महीने के बाद मैं अकाउंटेंट
came up to me, said that भाई वो इंस्टॉलमेंट देने EMIs देने तो वो कैसे करे वैसे यार तीन साल साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था अब क्या प्रॉब्लम है इसे अब कॉमेडी सर्किस बंद हो गया ना पर आपने तो उसके बाद और शोज जज किए उन शोज में और कॉमेडी सर्किस में क्या फर्क रहा बट एक्चुअली द शो इज सो गुड सीरियसली वी एंजॉयड सो मच यार लेट नाइट्स एंड इट डिडंट मैटर बिकॉज इतना मजा आता था बिल्कुल एक्सेप्ट फॉर योर कॉमेडी एवरीबॉडी वाज सो गुड आपकी वजह से ऐसा लगता था कि सो जाओ लेकिन फिर भी जैसे आप I know I was told I had that effect on people. Well, for the glory that was comedy circus. I have to say I'm shocked. मेरे साथ साथ आप सब भी बहुत खुश हैं एक बार फिर यहाँ पर आकर. So let's get started with the show and please fill that vacant spot. जश्न की शाम है खास आज के सारे मेहमान हैं तो द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट्स पर एक ट्विस्ट तो बनता है और आज ये ट्विस्ट ला रही हैं दो बहनें जिनको मिल गया है नया प्रोफेशन वैकेंसी थी तो दोनों ने मौके पे मारा चौका और अब बन गई हैं जजेस अब क्या जजमेंट लेंगी ये दोनों ये तो देखना ही पड़ेगा तो जोरदार तालियां हमारी दो बहनों के लिए एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट था खत्म हो गया कौन से रोने वाली बात है वो तो आपने बिल्कुल सही कहा दीदी हाँ। वैसे भी आर्थिक मंदी की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही है आर्थिक मंदी नहीं हाँ। अगर कॉमेडी गंदी हुई तो हमारी भी नौकरी जा सकती है सही टाइम पे हम लोगों को जज की नौकरी मिल गई दीदी ठीक तो है ना हाँ हो जाएगा हाँ। अरे जज की नौकरी मिली है जोरदार तालियां हो जाए ओह गॉड देख देख हो गए ब्यूटीफुल माय गॉड यार आई एम लविंग दिस इज सो गुड यार वाओ यार दिवाली में ऐसे कंदिल का मजा आ जाता है यार दीदी चिंचपोकली स्टेशन से रुपए में तीन खरीदे मैंने एक रुपए में तीन हाँ। अरे पागल मलाड स्टेशन चराने का ये लाए हैं क्यों इतना महंगा दिया जो भी है हमारी पुरानी साथी श्रुति के लिए जोरदार तालियां शी इज सो गुड अरे पता है इतना काम वाम करके इतनी तरक्की हम साथ में स्ट्रगल किया करते थे अच्छा हाँ इतनी तरक्की कर ली है हाँ। छह छह गाड़ियां खरीदी है छह छह गाड़ियां हाँ गोला का बिजनेस है इसका जो भी कहो दीदी है तो ये पुरानी चावल दीदी पुरानी चावल नहीं जब चावल भी नहीं आए थे दुनिया में तब से आई है ये बहुत पुरानी है सही कहा आपने प्राचीन काल में खुदाई के बाद बरामद हुई है ये बदतमीजी नहीं करना इसके बाद अब क्या हुआ बहुत टैलेंटेड लड़की है ये अच्छा पता है एक दिन श्रीदेवी के साथ हाँ। स्टेज के ऊपर कंपटीशन में उतर गई डांस के बाप रे फिर ये ऐसा नाची है अच्छा सरोज खान ने पैर पकड़ लिए इसके सरोज जी ने पैर पकड़ लिए इसके हाँ अभी फेंकने के लिए कुछ तो पकड़ना पड़ता है ना ऐसे ऐसे घुमा के फेंका है बहुत इज्जत करते हैं
अरे माय गॉड, क्या हुआ? अरे मैंने मत देखो, क्यों बोलो कैसे? देखा ही नहीं मैं, क्यों? तीन तीन भाई बैठे हैं, जोरदार तालियां हो जाए। तीन नहीं दीदी, दो भाई हैं, दो भाई। अरे सोहेल भाई, अरबाज भाई और गफूर भाई। अपना गफूर भाई नहीं है, अर्चना जी है। अच्छा हाँ, लेकिन पीछे तो सोहेल भाई ने बोला हाय गफूर, कैसे कहते हैं? मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे कर रहे हैं। आप गलत समझ रही है, वो उनका टैलेंट है। अच्छा अच्छा हाँ, पर अर्चना जी कमाल की एक्ट्रेस है। आपको पता है नए शो में ये गाड़ियाँ भागती है आजकल। हाँ ये तो मैंने देखा है, जोरदार तालियां बढ़िया कर रही है। लेकिन ये मेरे को जज लोगों का समझ में नहीं आता, ये गाड़ियां बांटती हैं, सोहेल भाई घड़ियां बांटते हैं और अरबाज भाई अपने ये बादाम खाते रहते हैं। बादाम खाते रहते हैं, ये क्या बात हुई? मतलब उनको पता है ना, बांटने से कुछ नहीं होता, अपना दिमाग तेज करो, बढ़िया काम करो। अरबाज भाई की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ यार, दबंग पिक्चर में मैं थी पहले। क्या बकवास करती हो, मैंने देखी, आप कहाँ थी? अरे मैं थी पहले दिन, मेरे साथ शूटिंग की थी। अच्छा हाँ, मेरे को डायरेक्टर ने डायलॉग दिया, इन्होंने कहते हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, हाँ। प्यार से डर लगता है। मैंने कहा नहीं, मुझे थप्पड़ से डर लगता है, प्यार चाहे जितना मर्जी कर लो। अर्चना जी, दीदी अर्चना जी, इनकी भी सारी फिल्में देख ली है मैंने। अच्छा तू हाँ? इतनी वेली है, फिल्म नहीं देखती रहती है। सुन इधर से भी मारो, ठीक होएगा। एक मिनट। नहीं, 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 नहीं। अच्छा ठीक हाँ। लेकिन अर्चना जी मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे लोखंड वाला मार्केट में गई। अच्छा, मैंने देखा वहां पर ही ऐसे टहल रही थी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, कभी कभार दिख जाता है आदमी। फिर क्रॉफर मार्केट गई मैं टाउन में, हाँ। वहां पर मैं जैसे एंटर किया, ये वहां भी टहल रही थी। अरे बाप रे, मतलब दिस इज अ कोइंसिडेंस यार इन लाइफ। फिर अभी चार दिन पुरानी बात है, मैं दिल्ली गई, हाँ। सरोजिनी मार्केट में मैं गई, वहां भी टहल रही थी। मैंने पकड़ लिया इनको जाके, मैंने कहा शॉपिंग करने का इतना शौक है आपको? कहते नहीं, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ अर्चना आज भी मार्केट में चल रही है। इनकी पति ने फिल्म बनाई थी याद है? अरे परमीत जी ने अपने बदमाश कंपनी। ये टाइटल बदमाश कंपनी क्यों रखा था इन्होंने? अब कंपनी ऐसी होगी तो बदमाशी करेगा ना बंदा। अच्छा दीदी हाँ? मेरा भी बताओ ना फिल्म का। हाँ तेरा तेरा, ये भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन बन चुकी है मेरी बहन, बड़ी सारी फिल्में की है इसने। हाँ बता कौन सी? पति निकला लल्ला फिर भी हो गया लल्ला। ये पिक्चर कब आ रही है? दिवाली में। दिवाली तो आके चली गई कब की? क्या हाँ? मतलब पांगे ने मुझे फिर लॉन्च नहीं किया? लॉन्च तो उसने तुझे किया है, फिल्म नहीं बनाई तेरे साथ। लॉन्च हूँ नहीं लूँ, लेकिन दीदी लॉन्च हो चुकी। दीदी आपने कितनी फिल्में की? मैं तो बहुत सारी, मेरी अभी भी हाल ही में बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई है। कौन सी दीदी? पति जब रात को सोता है तो देवर के संग कुछ कुछ होता है, बहुत। अरे अपने भाई लोग की पिक्चर आई थी हेलो ब्रदर, हाँ। उसकी मैं भोजपुरी रीमेक कर चुकी हूँ। पहलवान है मेरे भैया, कैसे होगा प्रेम का ताता थैया। सच बताओ दीदी, जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जज बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है, वरना कृष्णा सुधीर जैसे एक्टर को 10 साल तक तारीफ करने के लिए तो मेहनत का काम है। ज्यादा बकवास मत करना, उस शो में वो भी तो आता था, अली अली असगर। हाँ अली असगर आता था, आता ही था, लेकिन उसको कुछ नहीं आता था, समझी? ऐसा कुछ नहीं है। और ये आता कम था, जाता ज्यादा था। बात कर रही है, चला जा, जज सीट पे बैठते हैं, जज बने हैं हम लोग। हाँ चलो चलो जी जी। एक मिनट हु इज देयर? एक मिनट हु हुम हो हु हु यू हु यू हु यू हु यू सिक्योरिटी उधर किधर? वो वीआईपी एरिया है। वो वीआईपी एरिया है? हाँ। तो अर्चना को क्यों बिठाया वहां पे? वीआईपी एरिया का मतलब क्या होता? हु आर यू? कौन है तू? अरे सिक्योरिटी। व्हाट इज योर नेम? कौन है तू? कमल। क्यों? किधर खेला था? कहाँ से आए हो? गोरखपुर। क्यों आए हो? रोकने आए। आपका नाम क्या है? वकील। वकील? क्यों है? मेरे बाप का नाम है। क्यों है? क्यों पूछ रही हूँ? टेलर क्यों नहीं है? अरे तो नाम रखा है उसके माँ बाप ने। किसने रखा तेरे बाप का नाम? मेरे दादा ने। क्यों रखा? काम करना नहीं था उसको? अरे उन सबके नाम रखते है। कैसे लोग है यार? ये भी कोई नाम है? आ जाओ इनको बताते हैं। क्या कर रहे हो? आजा डंडे लाओ। देखो उठ। हाली दीदी बहुत मारा। दीदी
बहुत मारा यार, बहुत मारा दीदी। ये पूछना नहीं चाहिए कौन हो क्या यार, ये तो बेइज्जती हो गई बड़े बड़े लोगों के सामने। दीदी हर दर्द का इलाज यही है। Cheers, cheers. Come on, happy Diwali, Diwali party. देख, हम जिंदगी में जज तो नहीं बन पाए, लेकिन इधर टूटू सिस्टर्स हैं, उधर टूटू ब्रदर्स हैं। वही तो मैं कह रही हूँ दीदी, लूट लो। पति बनाने झाड़ को तोड़ के ले आई तो जोरदार ताली हो जाए कोयल भाई और अरमान भाई के लिए। आप सबको क्या लगता है कि अर्चना, सोहेल और अरबाज को इस मंच पर लाना आसान था? आइए हम आपको रिपीट टेलीकास्ट दिखाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने डांस क्यों नहीं किया है ना, एक्चुअली मैं अंदर ही अंदर डांस कर रहा था। मेरा बस चले तो डायलॉग भी मैं अंदर ही अंदर बोल दूं। पिलिलिक 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 फोन बज रहा है। पिलिलिक मेरा फोन बज रहा है। पिलिलिक पिलिलिक हेलो। हाँ क्या ड्रामा कंपनी? नहीं नहीं अभी कोई कंपनी में काम नहीं करना मुझे। अच्छा अच्छा कॉमेडी शो है। अरे नहीं नहीं मैं टीवी पर नहीं आता हूँ। अच्छा ठीक है रिक्वेस्ट, मैं सोच के बताता हूँ। हाँ हाँ ओके आई एम ऑन माय वे।
वो आ रहा है कि नहीं अपना मड आइलैंड का चाचा? आ रहा अर्चना, आ रहा है। अच्छा देखो मेरे और सोहेल के लिए, मेरे और सोहेल के लिए कुर्सी मंगाने ला, वो कहीं भी बैठ जाती है। अच्छा अच्छा ठीक, ओके काटता हूँ। सोहेल भाई, कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। मैं तुमको सुन रहा, माय सन रीडिंग द न्यूज़पेपर आज शेल्टर ऑफ दिस इवनिंग, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू। क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आता। एक्चुअली मैं बोल रहा था जहाँ अर्चू होगी हम वहाँ नहीं जाएंगे। शी इज वेरी टैलेंटेड, हमको लोग देखते नहीं थे। नहीं हमें देखा। अच्छा? अभी उधर फिल्म सिटी में उसका शूटिंग चल रहा है। अच्छा? तो वहाँ पे वो सेट लगा है अमरूद के ठेले का, तो वहाँ बोल रही है 10 का 3 10 का 3, तो बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। अरे एक्टिंग नहीं, फिल्म सिटी के बाहर वो अमरूद ही बेचती है। क्या बात कर रहा है, तू अभी अभी सो के उठा है क्या? हाँ मैं भी अभी, तो भाई मेरी आँखें नहीं खुल रही। अरे मेरे को नहीं, अपने आप को कर, क्या कर रहा है? अरे भाई नींद में पता नहीं चलता। अरे अपने हाथों से कर, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अच्छा तुम क्या बात कर रहे थे टीवी पे? अरे वो ड्रामा कंपनी में जाना है, वहाँ जज बन के जाना है। अरे नहीं मेरे भाई, टीवी में कुछ नहीं रखा, और वैसे भी टीवी में क्या आजकल वो एक ही सीन आता है, लाल पट्टी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ नहीं है। अरे वो हमारा टीवी खराब है, पागल है तू? और वैसे भी टीवी में कुछ नहीं रखा मेरे भाई। कौन कहता है टीवी में कुछ नहीं रखा, ये देख। अभी मैं कहूँ मेरे भाई, अर्चना कहती है टीवी से मेरी रोटी चलती है। और मुझे एक बात बता, वो टीवी तुम कहते हमारा खराब है, वो कैसे खराब हो गया मेरे भाई? वो कल ही तो डीजल डलवाया था उसमें। क्या? हाँ। तूने टीवी में डीजल डलवा दिया? अरे तभी तो टीवी खराब हुआ है पागल। आई एम सॉरी मेरे भाई, मुझे पता नहीं। सॉरी नहीं, टीवी पेट्रोल से चलता है, तू क्या करता है यार? ये इतना बड़ा पागल है ना सोहेल, हमने इसको बोला सब्जी मंडी जाके शिमला मिर्च ले आ, तो ये शिमला चला गया वहाँ। अरे मैं भाई ये पागल मैं नहीं हूँ, ये मैं वहाँ पे मिर्ची लेने नहीं, मैं भाव पूछने गया था। अच्छा अच्छा हाँ फिर तो ठीक है। तेज चला, तेज चला। Oh God, मैं मडालन से, I'm coming on a boat. I'm coming on a boat. Oh my God. Oh my God! What a ride! Yeah, what a ride! देखो, मर्द से जो तुम जट्टी से लेकर आए हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। मतलब कि तुम बहुत फ्लो में चल रहे थे, और लेकिन बीच में जो तेज हो रहा था वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो ओवरऑल मैं तुम्हें देना चाहती हूँ 8 नंबर। मैडम जी, मुझे नंबर नहीं चाहिए, आप बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। बड़ा बदतमीज आदमी है, अगर ये परमीत नहीं होता ना तो बताती इसको मैं। गाने देखे ने? चलो चलो लेट्स गो यार, कम ऑन। गर्मी लग रही होगी आपको? गर्मी थोड़ी लग रही है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे भी खुजली हो रही थी मेरी, बहुत ज्यादा गर्मी। ये क्या, आप विग पहनती हैं? नो, ये असली बाल है परमीत के। चलो ठीक है, लेकिन रिहर्सल तो जरूरी है भाई, बहुत दिनों बाद हम कमेंट्स देंगे, राइट? आओ बैठो। चलो चलो, तुम लोगों को कुछ अक्ल ही नहीं है, ये देखो। झारखंड में बस उलट गई, देखो पेपर उल्टा मेरे भाई। ये देखो। अच्छा अच्छा, ये बस की एड दी एड। अच्छा अच्छा, अरे क्या कर रही हैं आप? help!
अर्चना मेरे भाई, क्या कर रही हैं आप? I'm fine. अब मुझे पता चला ये आदिवासी इसलिए मडेलैंड में रहती है. अब मैं भी कमेंट दे लूं. ये सेट बहुत अच्छा है मेरे भाई, सोफा बहुत अच्छा है मेरे भाई, ऑडियंस बहुत अच्छी है मेरे भाई, कैमरा बहुत अच्छा है मेरे भाई, सब कुछ अच्छा है मेरे भाई. अब तेरी बात. यही प्रॉब्लम होती है, सारे कमेंट तो तूने दे दिए. कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस. कॉमेडी में ह्यूमर होना चाहिए, ये पुराने जोक नहीं होने चाहिए. और कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस. बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स दें. देखिए, अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है, पैसे के लिए दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है. माइंड ब्लोइंग, मुझे तो सुपर लगा. मैं दोनों के सर पे हाथ तक के कसम खाती हूँ कि यू आर ब्रिलियंट. सोहेल भाई, अर्चना जी और अरबाज भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए. मौका है, दस्तूर है, तो फिर उसूल के हिसाब से आपको इस एक्ट को कमेंट्स तो देने पड़ेंगे. तो सुहेल, आप पहले बताइए कैसा लगा आपको ये एक्ट? इट्स अ फ्लैशबैक फॉर मी. फ्लैशबैक टोटली. इतना हंसा हूं मैं अपनी जिंदगी में, थैंक्स टू कॉमेडी सर्कस एंड नाउ थैंक्स टू ड्रामा कंपनी. थैंक यू एंड लव यू गाइस. थैंक यू. तो अरबाज, आप बताइए. जैसे कि आपको पता है कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, लेकिन सबसे अहम बात, आज वापस आकर इतना आई एम फीलिंग हैप्पी एंड सैड. सैड बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द शो ऑल ओवर अगेन. क्या बात है सर, थैंक यू. एंड हैप्पी बिकॉज आफ्टर एवरीथिंग एक फिर से एक मौका मिला आप लोगों के साथ इधर रहने का, एंड यू नो एंजॉयिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. सुपर, थैंक यू वेरी मच. एंड फाइनली अर्चना, कॉमेंट्स आप दीजिए, पर पहले विग उतार के. यार मैं टकली नहीं हूँ यार, यू नो इतना तो मैं, अगर परमीत भी चला जाए ना तो आई विल नॉट मिस हिम, लेकिन जब कॉमेडी सर्कस चला गया ना तो आई रियली मिस यू गाइस यार. थैंक यू. आप लोगों का जो टैलेंट है, मैंने पहले भी कहा है कि आप दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, मैं अपनी मूछे मुंडवा दूंगी अगर ऐसा टैलेंट मिल गया तो. हम सब में वैसे सबसे ज्यादा तरक्की अर्चना ने की है. क्यों? हम पूछे क्यों? देखिए, कॉमेडी सर्कस के दौरान कितनी गरीब थी है, लेकिन अब लोगों को कारें बांट रही हैं. अब उसके अलावा ये क्या क्या कर रही हैं, ये हम जानेंगे खास बाबा जी से. जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बाबा जी का. सबसे पहले बाबा सैया का आप सबको दिल से प्यार. सोहेल, तुम्हें ट्यूबलाइट में देखा, बहुत मजा आया. तुम ट्यूबलाइट में रहा करो, अंधेरे में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते. अरबाज, हमने बड़े बड़े एक्टर देखे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारा नेचर सबसे अच्छा है. जिसका नेचर अच्छा है वो एक्टर अच्छा. अरे वाह अर्चना, अर्चना को देखो, कितने साल काम किया है, आज भी करीना कपूर से कम नहीं है. तोल के देख लो, 40-45 किलो ज्यादा ही निकलेगी. Definitely. लेकिन एक बात कहूँ, अर्चना जुबान की पक्की है. जुबान से ट्रक खींच लेती है, जुबान नहीं टूटती. और किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो मन में रखो, आपके बाप का नौकर में रोज जवाब दे रहा. Just kidding. कोई है सवाल? उठ जा बेटा, उठ जा. बाबा जी, लोग दिवाली पे जुआ क्यों खेलते हैं? तेरे बाप का खेलता हूँ, मेरा पैसा कुछ भी करो मैं फिरता मारा. और कोई है? उठ जाओ. बाबा जी 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे. कोई बात नहीं बेटे, साल गिनने से कुछ नहीं होता, शादी करो. बाबा जी शादी किए 10 साल हो, तो इस बार लड़की से करके देखो शादी. और कोई है?
बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पिताजी मेरे दोस्तों के साथ जाने के लिए मना करते हैं, मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, बहुत ही परेशान करके रखा है मेरे निकम्मे पिताजी ने, मैं क्या करूँ? तू घर चल, मैं तेरे को बताता, बैठ जा। और कोई है? उठ जाओ। सबसे पहले बताओ तुम दोनों कौन हो? दोनों मैं तो अकेली हूँ ना। एक ऊपर भी बैठा कोई। जूड़ा है मेरा, जूड़ा। अच्छा बोलो पुत्री। मेरी बहुत बड़ी समस्या है गुरुजी, मैं वहाँ आके बता सकती हूँ? आओ ना पुत्र। जी बाबा जी, यू आर माई प्रॉब्लम। क्यों, मैंने क्या किया? तुमने मुझे बोला था कि एक महीने के अंदर मेरी शादी हो जाएगी, महीना पूरा होने को है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। वो तो तुम्हारी तरफ से ढील है, मैं तो तैयार हूँ। देखो बाबा, मुझसे मुंह लगी मत करो, सीधा सीधा जाओ वरना आई पुश यू आउट। तुम मुझे क्या पुश यू करोगी, उससे पहले मैं खुद चला जाऊंगा। और बात नहीं है किसी की, मुझे कोई धक्के मारे। ढोंगी बाबा, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। ओह माय गॉड, हेलो अर्चना जी, हेलो अरबाज जी। पहचाना? हाँ, मैं टीचर विद्यावती विद सेक्सी फीचर्स। मुझे पता था, पिछले संडे को अरे पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आए थे ना, तो हमारा अफेयर हो गया था स्कूल में, याद है? हाँ, ऐसे नहीं याद आएगा आपको, इधर आइए ना मेरे पास। ओह गॉड, आइए आइए, मुझे पता था आपको याद नहीं आएगा, इसलिए सबूत लेकर आई हूँ अपने साथ। ये देखिए, देखिए देखिए, पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद डिनर पे लेके गए थे, वहां मैंने प्याज के पकौड़े खा लिए थे, तुमने मुझे मूली लगने दिया। और फिर हमारा प्यार थोड़ा बाकी रह गया था ना, जरा बैठिए ना इधर। बिल्कुल हाँ है। हाँ है, मुझे पता, लेकिन एक महीना वेट करनी पड़ेगी, वैकेंसी के लिए भी जगह नहीं है, ऑलरेडी मेरा एक छोटा सा बॉयफ्रेंड है। छोटा सा बॉयफ्रेंड? मतलब टेम
लाइब्रेरी। अरे अभी मुलाती हूँ आपको उससे, और वो ऐसा वैसा बाबा नहीं है, नकली वकली जैसा, असली का बाबा है, और वो ना आपको 3 का दम भी खिलाएगा। प्लीज आप दोनों भी आ जाइए। सलमान क्या बाल बिल बढ़ा रह गया? अर्चना और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। अच्छा? बहुत पुराना, मतलब इतना पुराना है कि मेरे को याद ही नहीं आ रहा। शुगर है। सोहेल, फटाके बैन हो गए सुना मैं। फटाके? फटाके मतलब पटाके। एक आदमी का तो धंधा चौपट हो गया। किसका? अनु मलिक। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, किधर आग लगाएगा। चलो गेम शुरू करें, टाइम वेस्ट मत करो, तुम बहुत टाइम वेस्ट करते हो। एक्चुअली मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, लोग मेरे साथ बैठते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता समय कैसा बीत गया। लोग एंजॉय करते हैं। हाँ। अभी गेम शुरू करते हैं। हाँ। खुश हो जाते। गेम शुरू करते। गेम स्टार्ट नहीं, एक बात करना चाहता हूँ। दरअसल गेम से याद आया, I have started with a new business here. जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है सबको मैंने ऐसा गोल बिठाया और लोगों को मैंने बोला माइंड योर ओन बिजनेस। वो जो नया वाला शुरू किया वो भी बताओ ना। करियर काउंसलिंग वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड सोहेल, वाई पीपल एंड हाउ पीपल। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है? हर बात में इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। 3-4 साल हो गए हम लोग को साथ में, छोटी छोटी बात का एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। अभी कल खाना खाया हम लोग ने होटल में, बिल आया, बिल में GST भी था, तो बोलती है एक्सप्लेन करो GST क्या है। अभी GST को एक्सप्लेन कर सकता है? मैं बोला लग गया है तो भरना पड़ेगा। तो उसके जैसा है, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। करियर काउंसलिंग के बारे में बात अधूरी रह गई थी। अभी थोड़े दिन पहले करियर काउंसलिंग के लिए वो अपना 3 नाम वाले को फोन किया था। वो 3 नाम वाला नील मिथुन नीतेश को है। नील मिथुन नीतेश, नील नितिन मुकेश। वही नील नितिन नीतेश। अरे नील नितिन मुकेश। अरबाज जी आप ही बोल के दिखा दीजिए। नील नितिन मुकेश। हाँ तो नील नितिन नीतेश वही बोला। तो कम सुनाई देता है, कह रहे बाल हटा बाजू के। और फेवरेट नील नितिन नीतेश को मैंने बोल दिया। तो सुनो ना, उसको फोन किया मैंने, मजा क्या है सुनो ना आगे। हाँ मैंने किया फोन उसको, मैं बोला हेलो, नील मिथुन नीतेश को फोन किया। मैं बोला अपना स्टाइल है ना, मैं बोला हेलो। तो अभी नील मिथुन नीतेश ही था फोन पे, मेरे को आवाज चेंज करके बोलता हेलो नील मिथुन नीतेश का मैनेजर बात कर रहा हूँ। बोला मैनेजर? मैं बोला मैं आपसे बात नहीं कर सकता, दरअसल बात करोड़ों की है। करोड़ सुनते ही बोला अरे बाबा मैं नील मिथुन नीतेश ही बोल। बोलो बोलो, मैं मजाक कर रहा था। मैं बोला कोई करोड़ों वरोड़ों की बात नहीं थी, मैं भी मजाक ही कर रहा था। नेक्स्ट फरहान का फोन आया मुझे, खुद फोन करके मेरे को बोलता है बाबा मुझे बताइए कि मैं एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सो मेनी थिंग्स टुगेदर आई डू इट, मैं और क्या करूँ कि मुझे अच्छा कुछ लगेगा लाइक। पहले तो लगा मेरा फोन खराब है, आजकल बारिश की वजह से आवाज खराब आती है।
अरे छोड़िए ना, इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों की करियर काउंसलिंग की है। ज्यादा बड़ा बड़ा के मत बोलो, तीन चार ही लोग है अभी बड़े, मतलब वो अपने ये ओबामा मामा। ओबामा। अरे उम्र में बड़े थोड़ा लिहाज करो, मामा बोला मैंने। ओबामा को तू तू करके बोलती है, ओबामा आया ओबामा गया। को अंदर की बात बोलोगे, ओबामा मामा को तो जाने दो। ये लड़की आज शाम को बोल रही थी कि सोहेल खान भी आ रहा है। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? आ रहा है। क्या बोला? अगर इन्होंने सुन लिया होता तो। क्या बोला सोहेल जी इसने? कुछ नहीं बोला, बैठो तुम उधर। I was just explaining her manners. Shut up! अर्चना जी देखिए कैसी कैसी बातें करता है, इतना ड्राई इंसान है ये, मतलब इसको बिल्कुल भी रोमांस नहीं आता है। कुछ टिप्स दे दीजिए अर्चना जी प्लीज। उम्र का भी तकाजा रखना पड़ता। मेरा तुमसे ब्रेकअप है आज से। हाँ। और सोहेलू जी, I accept you as my... मैं बाहर वेट कर रही हूँ, आप आ जाना। अभी क्या है, 9 बज गया ना, मेरा टाइम हो गया। I have to go. Thanks, sit, sit. No. Don't stand. You take care. हम चाहेंगे कि भाई अरबाज आए हैं तो हम सबके लिए एक मधुर गीत सुना कर जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.